डॉक्टर पी के सिंह द्वारा किया गया है। मैं उनको धन्यवाद दावित करता हूँ पहलवानों की तरफ से। अगली कुश्ती के लिए चला रहे प्रभुनाथ गोरखपुर चंदन बनारस। भैया गोपी पहलवान बनारस एक बार अखाड़े पर आ जाएंगे। गोपी पहलवान बनारस मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अखाड़े पर आ रहे हैं। गोपी पहलवान बनारस मेरी आवाज सुन रहे तो अखाड़े पर आ गए। इसके बहुत शानदार कुश्ती चल रही है, ध्यान से देखिए। अब तक की कुश्तियों में अंतम नहीं, गोरखपुर का पहलवान है बाबा गोरखनाथ की नगरी से आया है छोड़ा के पहलवान जिसे लगी। कितना समय दिए थे भैया इस कुश्ती में? 6 मिनट। कितने मिनट से चल रही है? कितना मिनट हो गया कुश्ती का? 3 मिनट हुआ। 3 मिनट धोबी दाव का प्रयोग गोरखपुर से, लेकिन खतरा में पड़ गए गोरखपुर के पहलवान। लेकिन बहुत मारने वाले से बचने वाले बहादुर होते हैं। फाउल दाव का प्रयोग नहीं करना है, फाउल दाव का प्रयोग नहीं करना है। भैया शांति बनाकर देखिए, ये कुश्ती आज 16 दिसंबर कोरोना के दिन का ऐतिहासिक दिन है, जो बड़े भैया अखिलेश्वर उपाध्याय पप्पू उपाध्याय जी के संरक्षण में क्या दाव का प्रयोग किया जा रहा है। सेंटर में आया, सेंटर में 2 मिनट और है। एबल बोलिए, बोलो दी भैया अंग की। नरवा टाइट लगे पर लगा तेल में गर्मी रही। अगले में कम नहीं आए परुणाथ गोरखपुर चंदन बना रहे। हाथरी में रेफरी का निर्णय सर्वमान्य है, रेफरी का निर्णय सर्वमान्य है। हाथ उखड़ गया भाई, इसको पहलवान को जा नीचे पकड़ के ले आइए। चोट लग गया क्या? कोई जानकार हो तो बैठा दीजिए भैया।